पूरा घर में ढूंढा है दादी जी मिले यहाँ पे अपने चूल्हे पे। चले भाई वो एक तो खुश होगी है तो अब ये उससे बड़ी बहन तो इसकी बारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमने भी ईद की तैयारी कर ली है, तो कुछ टाइम पहले ही ना फिरोज़ ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, और उस टाइम को गुजरे ना बहुत टाइम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम हुआ, लेकिन असल में मैं अपने कामों में लगी रही हूँ, फिर बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुई ना, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। इस वक्त ना 11-12 बजे का टाइम हो रहा है और हम हो चुके हैं रेडी। फिरोज तो सुबह से ही रेडी हैं, जब 6-7 बजे नमाज हुई थी ना वो तो तब से ही रेडी हैं। बहरहाल मुझे रेडी होने में टाइम लगा है, मैं अभी रेडी हुई हूँ, हानिया भी रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। सुबह से 2 दफ़ा रेडी हो चुकी है, एक दफ़ा अपने बाबा के साथ हुई थी और एक दफ़ा अभी मेरे साथ होगी। हानिया इधर दिखाओ भाई, ये देखें हमारी छोटी सी गुड़िया को चेक करें, कैसी लग रही हो? हानिया 2 दफ़ा रेडी होगी है, और हमारी हानिया आप लोगों ने बताने कैसी लग रही है, और बाकी हानिया की मम्मा भी रेडी है, मेरा भी बता देना थोड़ा सा कैसी लग रही हूँ। और हानिया ने सारा मेरे वाला सामान लिया हुआ है, इसके बाबा भी इसके लिए लेके आए थे, हमने ईद की शॉपिंग की थी इसकी, लेकिन इसने बाबा वाला सामान कुछ नहीं लिया, इसने कहा भाई मुझे मम्मा वाला सामान लेना है सारा। और अभी जो कि ना आज ईद का दिन है और गर्मी भी बहुत 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 ज़्यादा हो रही है, पता नहीं ईद का दिन कैसा गुजरेगा, अभी तक तो लग ही नहीं रहा है कि आज ईद है, बस यानी हमारी बातों में लग रहा है कि ईद है, बाकी गर्मी इतनी हो रही है ना कि कुछ दिल नहीं कर रहा है। बस तैयारी कर ली है बड़ी मुश्किल से, यही बहुत, लेकिन और कोई दिल नहीं कर रहा कि बंदा बाहर चले जाए या कहीं चले जाए, बस कुछ दिल नहीं है, इतनी सख्त धूप है ना। अभी तक मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ना इनको ईद मुबारक भी नहीं दी है, मैंने कहा था मैं रेडी हो जाऊंगी फिर आपको ईद मुबारक मिलेगी। टाइम तुम्हारे पास हो तब नहीं नहीं नहीं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बहुत सारी, और आप लोगों को मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, हम सब की तरफ से बहुत, आपकी पूरी फैमिली को, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप खुश हो गए? कुछ ला के दे दो, कुछ गोश्त आ गया? हाँ मैं बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि आज हमारी कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो जल्दी आ गया, वैसे तो 1, 2, 3 भी कभी हो जाते हैं। पिछली ईद पे 4 बजे आया, 4 बजे आया था, वो जाहिर सी बात है लाइन लगी भी होती है ना, हर किसी का टाइम होता है कि जिबा इसकी पहले करनी है उसकी बाद में करनी है, तो हमारा जो है ना 1 या 2 नंबर था, तो हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त आ चुका है, अभी थोड़ी सी देर पहले आया है, तो चल के ना उनके पहले हिस्से बनाएंगे, अलग अलग करेंगे, जो बाहर देना है बाहर का रखेंगे, और जो हमारा हिस्सा बचेगा ना वो रख के उसमें से फिर हमने खाना भी बनाना है। कर मुंह से क्या बोलने आई हो? ईद मांगने आई हो? भाई हानिया मुझसे कह रही है मम्मा रेडी में हो चुकी हूँ, मुझे ईद ही दो, और कह रही थी मुझे दादी घर पे भी ले जाओ, वहाँ से भी मैं सबसे ईदी लूंगी पहले, लेकिन मुझसे लेनी है, बाबा से नहीं लेनी, बाबा से भी लेनी है। तो चले भाई मैं अपनी प्यारी सी बेटी को ईदी देती हूँ, कितनी ईदी दूँ? इतनी सारी ईदी चाहिए, इतनी सारी हाथ दिखाती है। हानिया के लिए ये देखो, ये कुछ कड़क कड़क नोट भाई मैंने हानिया के लिए रखे थे, बड़े कड़क कड़क हैं, हम जब बच्चे होते थे ना हमें बड़ा शौक होता था इस तरह के कड़क कड़क नोट मिल जाएं, ये देखें, तो हानिया को ईदी देते हैं, ये लो बेटा काफी है क्या? काफी है? हाँ। बहुत है? हाँ। देखती है मम्मा और देगी। अच्छा ये लो, भाई के भी हैं इसमें, भाई के भी हैं, ठीक है, और चाहिए क्या? और चाहिए, बस ये हमारा आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रहा गोश्त, तो इसको फिर रोज़ यहाँ पे रखने लगे, तो यहीं पे इसको ना डाल लेंगे सारा ना, और इसके हिस्से करेंगे, यहीं पे डाल लो, ये जगह सही है, हवा भी ऊपर, पंखा भी चल रहा है, हवा भी आ रही है, बाहर इतनी गर्मी थी, मक्खी भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे ये कि ईजीली हम इसके जो है ना हिस्से करते रहेंगे, साफ स्मेल, हाँ गोश्त जो है स्मेल तो आनी है, लाजमी सी बात है, इसको कर लेते हैं ना, इसको डाल दो सारा ना, डाल दो, ख्याल से डालना, मैं हेल्प करूं? ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह से, ये रहा हमारा इस साल का कुर्बानी का गोश्त, जो कि कुल टोटल हमारा हिस्सा था ना ये सारा आ चुका है, अभी इसके 3 हिस्से करेंगे, जो कि एक हमारा होगा, एक रिश्तेदारों का होगा, और एक होगा बाहर नेबर्स वगैरह को या पड़ोस या और किसी को देना, सारा बांटने वाला आप करेंगे?
वैसे पहली दफ़ा ये काम हम कर रहे हैं। हर साल ये जो बांटने वगैरह का काम होता है ना, ये अम्मी जी अबू जी करते हैं, तो इस दफ़ा जो है ना हमने खुद करना है। क्योंकि वो जान लेता है नियतें भी। जो गोश्त को हम दोनों ने मिलके ना सारा साफ सुथरा कर लिए, और इतनी ज़्यादा देर लगी ना हमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ना हर साल करते नहीं, हर साल जो ना अम्मी अबू करते हैं, लेकिन अब जो कि हम लोग अकेले हो गए ना, जाहिर सी बात है अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो गोश्त सारा मना ना लगभग साफ सुथरा हो गया था, थोड़ा सा बचा है, और यहाँ पर ना फिरोज़ देखें अभी भी कट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा गोश्त बचा हुआ है, ठीक है। और गोश्त से ज़्यादा ना यहाँ पर हड्डियाँ में, ये देखें इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी ना, इतनी बड़ी, हमने कहा पता नहीं इसको कैसे सफाई करेंगे, काफ़ी देर हो चुकी है वैसे भी ना। और ये गोश्त मैंने कुछ निकाला था अभी पकाने के लिए, और साथ में ना मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, मेरी तो बस हो गई थी, मैंने कहा बस आप करें, मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ, मुझे भूख भी लग रही है और थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ ना, तो आप करते रहो, ठीक है। लेकिन ना मैंने सिर्फ ये नाम लिया तो ये देखें इनके काम ही इतना लेट गए, कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा थक गया हूँ, रख दो मैं बाद में कर लूँगा, तो भाई इनको सुकून करने देते, और मैं चलती हूँ जल्दी से ना जाके खाना बनाती हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है और इस वक्त शाम के 5:30 बजे, और हम अभी घर से रवाना होने लगे हैं अम्मी जी के घर के लिए, क्योंकि सारा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सारा दिन फिर काम में भी मसरूफ़ थे, गोश्त आ गया था, तो गोश्त हमने जो है ना इसको सफाई की और सारा जो है ना बांटा, उसके बाद फिर हमने खुद भी थोड़ा बहुत बना के खाया, तो ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से फ्री हो चुके हैं और रेडी भी दोबारा हो चुके हैं, क्योंकि दिन में गर्मी से बहुत बुरा हाल था, अब ये कि रेडी हो गए और जा रहे हैं अम्मी के घर, अम्मी जी के घर चलते हैं, वहाँ पे ना अम्मी जी से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, और बाकी चाचू चाची यानी सबसे मिलते हैं, और सबको ईद मुबारक देते हैं, और ख़ास कर बच्चों से मिलते हैं, जो कि ईद का दिन बच्चों के लिए होता है, बच्चों को ईदी दी जाती है, तो बच्चों से मिलते हैं और बच्चों को देते हैं ईदी। मैं रेडी हो चुकी हूँ दोबारा से, ड्रेस तो वही है लेकिन रेडी हो गई हूँ, और बच्चे जो है ना न्यू ड्रेस के साथ दोबारा रेडी हो गए। हानिया ने सुबह दूसरा ड्रेस पहना हुआ था, अब दूसरा पहन लिया है, अब हानिया बन गई पिंक पिंक, सुबह येलो थी अब पिंक हो बन गई हो। कहाँ पर जा रही हो? अम्मा के घर जा रही हो, क्या करने? ईदी लेने जा रही हो? हाँ। हम कहते हैं कि हम बच्चों से मिलने जा रहे हैं, बच्चों को ईदी देने जा रहे हैं, बड़ों से ईद मुबारक, बड़ों से ईद मिलने जा रहे हैं, तो हाने कहती है मैं ईदी लेने जा रही हूँ। वहाँ पे किस किस से ईदी लोगी? सबसे लोगी। चलें भाई ठीक है, हाने ने फैसला कर लिया मैंने सबसे ईदी लेनी है, तो हम भी यहाँ से जल्दी से रवाना होते हैं, क्योंकि अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 बज रहे हैं और 2 घंटे हमारे पास हैं, टाइम इतने जल्दी गुजरता है ना वैसे पता नहीं चलता है, तो जल्दी से जाते हैं और जाके भी सबसे ईद मिलते हैं, दादी जी मिलने मुझे घर में ढूंढ रहा है, दादी जी मिले यहाँ पे अपने चूल्हे पर। चमचा रे माँ दादी जी के हाथ खा के जाएंगे खाना आज। कहते हैं ना बड़ों के हाथ में जायका होता है, खाना खा के जाएंगे, जितना भी अच्छा बना ले लेकिन बड़ों के हाथ जैसा नहीं बना सकते, तो दादी जी के हाथ की गोजड़ी है जो कि थोड़ी सी देर में रेडी हो जाएगी। वही चले दादी जी ने मेरे आने से पहले जितना पकाना था पका लिया, वही माँ हूँ मैं पकी नहीं, थोड़ा जेरा बच्चा काम करेगा, इतनी गर्मी में दादी जी बैठे हैं। अभी हमारा घर जाने का टाइम हो रहा है जो कि अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा, हमने कहा जाते जाते बच्चों को ईदी दे दी जाए, पहले ये मिल नहीं रहते, एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा घर है ना ये, यहाँ से लेके उधर तक फैला हुआ है, सबको इकट्ठा किया है, हमने कहा इनको देखो, तो चले बच्चों को, भाई वो ले नहीं रही, देखो जा रही है, वो असल में उसने ना सबसे ले लिया यहाँ पे, उसने दादी से चाचू से दादा से सबसे ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा उसने, मैंने कहा मैं, वो कहती मैं लेने ईदी आई हूँ, तो खैर हानी अपनी ईदी लेती रहेगी और हम देते हैं इन बच्चों को ईदी, जो कि जितने भी बच्चे थे कैमरा में आने वाले उनको हम कैमरे में ले आए, और जो नहीं आते ना उनको हम वैसे ही दे देंगे, तो कैमरे वाले बच्चों को दे देते हैं यहाँ पे ईदी। ये देखिए सबसे पहले तो ये है हमारी हानिया की फ्रेंड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब भाई वो ज्यादा कह रही है, तो तुम उसको 50 दे रही हो, मैं उसको दूसरा दे रही थी, वो ऐसे हो गई है, ईदी ईदी बाला दी दी। हाँ चले भाई वो एक तो खुश हो गई है, तो अब ये उससे बड़ी बहन, तो इसकी बारी, ये शर्माती
ये देखिए ईदी बालों का हक होता है, मांग के गिनो हरे ए मांग के नहीं लेते वो नहीं मांगते गिनते हां बेबी एक होवे दिमाग हो तो को दिखती है देती है हां। और अच्छा। अब बारी है भाई हमारे छोटू से बच्चे की, छोटू से बच्चे की भाई इसको भी ईदी देंगे हम, इसको भी देते हैं। ये हमारा छोटा सा गप्पा ये सबसे ज्यादा लेगा, ये 50-50 नहीं लेगा, ये 50-50 नहीं लेता है। तो भाई इसकी बहन को पहले दे देते हैं यहाँ पे ईदी, जो कि मेरे पास भाई चिल्लर पड़े बहुत सारे। तो ये इसकी बहन की ईदी और अब हमारे गप्पू की ईदी। गप्पू की वैसे इसको ईदी का पता तो कोई नहीं चलता है कि ईदी का मैंने क्या करना है, नोट का क्या करना है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे की ईदी है। ये ऐसे पकड़ ली भैया उसने, पकड़ ली, ऊंचा आगे जल छोड़ नहीं रहा, ऊंचा आगे जल छोड़े कह नहीं हूँ, बड़े चलाक होते हैं आज के बच्चे। देखें उसको पता नहीं है मैंने नोट का क्या करना है, लेकिन नोट ऐसे पकड़ लिए, काबू कर लिए। अभी दादी जी यहाँ पे लेके आएंगे बोटियाँ, मेहमान आवास रोटी की जी भाजी, भाजी की जी भाजी, मेहमान आवास साल के रोटी कुर्बानी है ना आज, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी पे जहाँ देखो गोश्त गोश्त गोश्त। अब तो सुबह से देख देख के हमारा दिल भर गया है। दे अम्मा देखते देखो, देखे बखरे रोन पावे वो अपनी दादी को नहीं देता है, वो देखो देखे देखे नहीं भी देता वो नहीं देता अपनी दादी को, वो कहता है मेरे पैसे हैं। हमारे घर में तो लग ही नहीं रहा था कि भाई आज ईद भी है, वहाँ जाके ना थोड़ा हमारा अच्छा टाइम पास भी हुआ है और साथ में ना फील भी हुआ है कि हाँ भाई ईद है, सबके साथ मिले जुले हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी आप सब लोगों को ना मैंने दादी से मिलवाया है और दादाजी से भी मिले हम, यानी सबसे मिले, लेकिन ये कि फैमिली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि फैमिली बहुत ज़्यादा थी ना तो वीडियो में नहीं ला सकें, तो बस दादी जी आ गई हैं इसीलिए। और इनको आपको क्या हो गया है यहाँ बैठे आराम से, इसको क्या हो गया, ये मरता जा रहा है बेचारा, इतना ग्रीन ग्रीन तो हो रहा है, नहीं उम्र तो जा रहा है बीच में से यार, मैं मेरे लिए कोई बर्गर शर्गर ला दो, मैंने गोश्त नहीं खाना भाई, थक गया हूँ गोश्त, बर्गर ला दो, बर्गर शर्गर कोई शौर्मा शौर्मा लेके आओ यार, जाए आप ले आए मेरे लिए भी ले आए उल्टे अपने लिए भी ले आए, कल जाऊंगा, अब तो रात हो चुकी है वैसे भी, वही ना आप देखो आगे ना इतनी रात हो रही है, बाहर अंधेरा हो रहा है, इनका दिल बर्गर शौर्मा का कर रहा है। हाँ इसको चेक करें, ये यहाँ पे फीडर पी रहा था, लेकिन ये इसको मैं अंदर जाके आई थी, मेरे पीछे पीछे यहाँ आके ले रही है, काम चेक करो कहाँ ले रही है, रात के वक्त कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, हाँ। इसको कोई फिकर, इसको कोई फिक्र नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना यार, बस चले ना हम भी अंदर चलते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, इनको सुलाते हैं बाहर से, इन्होंने ऐसे ही करना है, इनको कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है प्लॉट है यहाँ पे जो है कीड़े मकोड़े हो सकते हैं रात में जो कि नुकसान दें, तो अंदर चलते हैं बच्चों को सुलाते हैं। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।